ठीक है, लेट्स मूव इट टू हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट। सो वन बिल्कुल बाय वन प्रेजेंट करो। नबीन प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर, मेरा पहले से ही एक ही का स्टॉप लॉस हुआ है ओके जब से दिन, और पेन में भी अभी आ गया है इसका ठीक है, प्रॉब्लम। तो आप इस वर्डिंग को ऐसा बोलो, टोटल 10 लिया, 9 मेरा प्रॉफिट में गया है एक्सेप्ट वन, ऐसा करना है। आगे से ये वर्डिंग बोलना है, ठीक है? हम पॉजिटिव को हाईलाइट करेंगे। 9 ट्रेड लिया, टोटल 10 ट्रेड, 9 विल बी इन राइट वाज इन प्रॉफिट, हाउएवर एक मेरा एसएल गया है, बस ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। और आज के मेरे दो स्टॉक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और विप्रो में, यहीं से मेरी एंट्री बनती है। ये थोड़ा अभी 28 से 27 आसपास है, इन्हीं हाँ तो सब मेरी एंट्री बनती है। परफेक्ट, पहला टारगेट मेरा ये है, दूसरा ये स्टॉप लॉस मेरा ये है, और 3 मंथ का ड्यूरेशन। ठीक है, परफेक्ट। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है स्विंग हाँ ट्रेडिंग में, परफेक्ट। ठीक है, मार्केट देखो बहुत हाई में, जैसे रिट्रेसमेंट करेक्शन, दिस इज वेरी क्रूशियल। आप सभी लोग देख रहे होंगे, सभी लोग बोलते हैं हाँ मार्केट इतना हाई है तो कैसे बाय करे, कैसे स्विंग ट्रेड में जाए, बट आप अभी उसी के बाद भी प्रॉफिट कर रहे हो, सो दिस इज गुड एक्टिविटी। हाँ विप्रो में मेरा 410 पे एंट्री है, 409 अभी चल रहा है, ओके ओके इसको आएगा तभी एंट्री बनेगी। 420 का मेरा टारगेट है, दूसरा ठीक टारगेट 425 और 410 का स्टॉप लॉस 15 दिन ठीक है, परफेक्ट। चार्ट। ये विप्रो का चार्ट है, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ऊपर जाएगा 410 के ऊपर तभी मेरी एंट्री बन गई है। परफेक्ट, और दूसरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में ये 4 आवर में दे चुका है, और ओके यहीं से अभी कैंडल इसको क्रॉस करेंगे ऊपर तभी मेरी एंट्री बनेगी। परफेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, और मेरा सेल भी तैयार है, पहले ONGC में मेरा प्रॉफिट है, ITC में मेरा लॉस है, बुक हुआ है इसलिए। ठीक है, और दूसरा अंबुजा सीमेंट में मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, मनप्पुरम में बुक हुआ, बेल हाँ अभी चल रहा है, पहला ओके ठीक टारगेट उसका डन हो गया। है, परफेक्ट। FSL में सर टारगेट डन हुआ है, और साथ साथ हेल्थ केयर में भी टारगेट है। हाँ ठीक है, तो ओवरऑल अगर नोशनल प्रॉफिट देखेंगे तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट अभी हो चुका है, कितना परसेंटेज का? परसेंटेज सर नहीं हाँ, तो पता। आपको अभी देखना, कभी भी सभी को क्वेश्चन पूछूंगा भाई, अभी अभी नोशनल लॉस कुछ बुक कर चुके हैं और कुछ चल रहा होगा, तो सबको मिल, नोशनल लॉस मतलब जो बुक किया नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल आपको अभी आज के दिन, अभी मैं अभी स्क्वायर अप कर दूं तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा है या कितना डाउन है, ठीक है? तो ओवरऑल आप बताओ कि ओवरऑल अभी बता दो, फिर आगे मुझे बता देना। ये रियली एक है कि एज ऑन डेट मेरा पोजिशन क्या है पीएनएल, सिंपल, वो नोशनल प्रॉफिट लॉस को काउंट करके देगा, तो आपको पता चलेगा ना आज आज मैं कहाँ हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल कितना परसेंटेज अभी ग्रोथ में हो अभी भी? 3 से 4% थ्री तो टू फोर होगा। परसेंट ठीक है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, स्टॉप शेयरिंग, नेक्स्ट। सो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, आप कभी भी होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सोहम के बाद राहुल करोगे, राहुल के बाद और कौन है? चेतन, ठीक है, चेतन के बाद हितेन, और है रेडी किसी का? हाँ ठीक है, सो फटाफट कर देना, साथ साथ में लेट मत करना, पहले से ही रेडी हो रहा हो उसमें, ठीक है? सोहम फटाफट करो, और जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। ये मेरे पिछले हफ्ते के दो स्टॉक्स हैं, इसमें फर्स्ट टारगेट डन, मैं अभी टाइम है मतलब ये ट्रेड चल रहा है अभी ओके ठीक MFS, और ये JSW एनर्जी मेरा अभी भी रिटेस्ट फेज में है, तो मेरी एंट्री नहीं बन रही है सर, JSW एनर्जी सर। है, और ये पब्लिक है APL ग्रीन और हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हाँ तो ये KPI ग्रीन में अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बनती है तो ही मैं लूंगा, मार्केट प्राइस से अभी थोड़ा ऊपर। ठीक है, परफेक्ट, तो ये KPI ग्रीन में ये रिटेस्ट करने के बाद मैं लूंगा। ठीक है, और HAL जो कि अभी रिटेस्ट फेज में है, शायद कल या परसों वो वापिस उठने की तैयारी करें। तो ये इसमें हाइब्रिड भी लगा है, इन द सेंस ये न्यूज की वजह से भी ऊपर जा सकता ठीक है, है, क्योंकि इसरो जो प्लान कर रहे हैं सब, तो सब चंद्रयान और दूसरा
आदित्य मिशन है, मंगलयान का भी है, बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में आ गया सभी। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट राहुल प्रेजेंट करो। देखो सभी लोग अपना जो है ना, ये जो ड्यूरेशन दिया है उसे पहले से ही आपको रेडी रहना है और बिल्कुल फटाफट आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, टू द पॉइंट ओनली रिपोर्ट। ठीक है, एक हफ्ते में आपने क्या किया वो रिपोर्ट अभी दिख रहा है। हाँ, प्रेजेंट स्क्रीन, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट किया पूरा हाँ, वापस करो, मैं थोड़ा सा दूसरा ये ले लेता हूँ। ठीक है, करो, उसके बाद रेडी रहना, जिसमें है आपको रेडी रखना। हाँ, सर ये मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देख के निकाले स्टॉक। ओके सर जिसमें मैंने एंट्री प्राइस और टारगेट सब दिए हुए स्टॉक का सोच के चार्ट बताता हूँ। जैसे साइन टीवी है, मैंने वीक पे बनाया सर। हाँ, सर वीक पे डबल बॉटम बना रहे और परफेक्ट। इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर ये ऊपर एक और लाइन भी और ट्रेंड लाइन अगर वो उसको ब्रेकआउट करता है तो वी विल एंटर। और फिर सर जहाँ ये ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स गया वहाँ पे, वहाँ तक हमारा पहला टारगेट है, हाँ, तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। तो ओके, अपन अपने इफ वी आर होल्डिंग 100% ऑफ स्टॉक्स तो 58% एग्जिट करेंगे वहाँ पे, ओके, और फिर स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे ट्रेल करते जाएंगे। अगर परफेक्ट, वहाँ पे अगर रिटर्न मारता है तो अपने पास पोजिशन रहेगी। ओके, और जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो बिरला सॉफ्ट है, उसमें सर मैंने जो पहला टारगेट है वो 570 का है और मार्केट अभी 485 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस सर अपने अपने रिस्क पे ले सकते हो, बट सर मैंने अपने रिस्क पे 385 का लिया हुआ है ओके, क्योंकि सर मेरा उतना बड़ा टारगेट है। तो 570 का मेरा पहला टारगेट है और सर ये यहाँ पे फाउंडिंग बन रहा है, कब बन रहा है तो मतलब मैंने इसमें पॉइंट भी यहाँ से निकाले थे। जैसे ये स्केल देखे तो यहाँ पे इतना बड़ा 250 268 अप्रोक्स मान लीजिए तो उतना है, तो मैं यहाँ पे उतना ही ऊपर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से इतना ये ऊपर जाने के चांसेस है अगर ये ब्रेकआउट करता है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, कहीं बाहर से कर दो जो ऊपर क्लिक हो रहा है, दोबारा कर दो उसमें। हाँ, साइड से कहीं, साइड से दूर से कर दो, आ जाएगा। हाँ तो मेरा ये 260 पॉइंट्स का यहाँ पे रहता है, हाँ हाँ 260 तो 240 250 तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 48-50 परफेक्ट, चलो ठीक है। इस तरह का देखो क्लैरिटी इमेज अगर बनाते हो तो आपको भी खुद को कॉन्फिडेंस सभी लोगों को आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इधर दूसरा दे दो फटाफट, दे दो, चेतन, चेतन के बाद हितेन। ठीक है, मीत आपका है कोई नहीं? हाँ ठीक है, पुनीत आपका है कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है, जैसे भी हितेन का हो जाएगा तो तुरंत विवेक को हैंड ओवर करना, विवेक कर लेगा। विवेक चेतन के बाद हितेन करेगा, हितेन के बाद चेतन के बाद हितेन, हितेन के बाद विवेक आप कर लेना, ठीक है। हाँ नहीं आ रहा है आपको, एग्जिट करके एंट्री करो। विवेक आप प्रेजेंट कर दो तब तक। हाँ विवेक प्रेजेंट कर दो तब तक, आप ये करो एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो चेतन। हाँ विवेक प्रेजेंट करो, जिसका भी है कोई दिक्कत नहीं, खाली एग्जिट हो जाना है फिर दोबारा रीजन करना आ जाएगा। हाँ विवेक करो। और उसमें सीपीएससी
लास्ट वीक का मेरे दोस्त स्टॉक पे डेढ़ सौ रुपये अभी और मदर सब उसका एक पॉजिटिव चल रहा है, एक नेगेटिव चल रहा है। लास्ट वीक के मेरे दोस्त स्टॉक पे एनर्जी और पी एम बी हाउस वो थोड़ा भी प्रॉफिट में है, और इस वीक के मेरे स्टॉक से इस वीक के स्टॉक से पहले मैंने ये भी करता है इस बार कि लास्ट वीक के जो ट्रेड्स थे उसमें टोटल अभी प्रॉफिट ट्रेड चल रहे हैं, लॉस ट्रेड चल रहे हैं और टोटल ट्रेड ठीक नहीं हो रहा है। उसमें टोटल ट्रेड जस्ट प्रॉफिट में चल रहे हैं, चार लॉस में चल रहे हैं और एवरेज भी एक बार देखता हूँ जस्ट ट्रेड का 11.6% का प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, और लॉस जो चल रहा है वो 2.29% में चल रहा है। ओवरऑल नेट हम देखेंगे तो 9.32% का प्रॉफिट नहीं है कभी। वेरी गुड। और इस वीक के मेरे दो ट्रेड है एमबीसीसी और आईआरबी, उसमें एमबीसीसी का चार्ट दिया है सर। फर्स्ट टारगेट जो मेरा रहेगा इसमें वो 59.95 का रहेगा 60 का, और सेकंड टारगेट मेरा 68 का रहेगा। परफेक्ट। और दूसरा स्टॉक के मेरा आईआरबी इंटर टारगेट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर रहे हो। वेरी गुड। ठीक है, गुड। ठीक है, हाँ। ऑनलाइन कोई अभी है अभी तरह हितन, नहीं तो जिसका भी, हाँ हितन आ जाएगा। देखो चेतन, देखो और है? हाँ करण, हाँ करण, चेतन के बाद तुरंत शेयर करना फटाफट। ठीक है सर, नजदीक माइक पकड़ो। माइक थोड़ा नजदीक पकड़ो। हाँ करो, अब थोड़ा बाहर बैठो ना, थोड़ी देर के बाद। मेरी 40 में एंट्री है और उसका फर्स्ट टारगेट है 42 और सेकंड टारगेट है 4 डबल 4 50 का, तो और एक दूसरा गॉड फेकर का है, गॉड फेकर में ये जैसे ही रिवर्स देगा ऊपर तो जैसे ही इसका रेजिस्टेंस इसने तोड़ा तो उसके बाद हमारी एंट्री होगी, और उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 2350 और दूसरा है 2600 का, इसमें एसेंडिंग ट्रायंगल पर है दोनों में। ठीक है सोम, एक फंडामेंटल का लिंक बना के भेज देना। हाँ ठीक है, ठीक है शेयर करो स्क्रीन। ठीक है हितन के बाद गोड़ा करना, फिर पुनीत तुरंत करना है ना। कोई बात नहीं, करण का आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टॉप शेयरिंग कर दो ये हितन, हाँ हितन कर दो। कंटिन्यू। फेडरल बैंक के चार्ट देखे तो बॉक्स रेंज में से ब्रेक आउट हो रहा है, देन चांसेस प्रोबेबिलिटी हायर, और एक्सिस बैंक का देखे तो नीचे गया था एक बार तो ठीक हुआ था पर वापस रिवर्स करके अब वापस रेंज में है, और रेंज में लग रहा है 1000 के ऊपर जा सकता है नेक्स्ट वीक में। ओके वेरी गुड, गुड हितेन
देखो सभी का डाटा अभी शो कर रहा है कि इरेस्पेक्टिव मार्केट हम लोग अभी प्रॉफिट में मूव कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। ठीक है, इसीलिए शुरुआत में जो पुराना नया स्टूडेंट भी है, लेट्स मूव विद द फंडामेंटल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे स्लो एंड स्टेडी। एक विनिंग एटीट्यूड पहले बनना चाहिए कि सक्सेस मिल रहा है हमें, ठीक है, फिर धीरे धीरे और एक्सीलेंस के ऊपर जाएंगे। हाँ कंटिन्यू। थोड़ा नजदीक पकड़ो माइक को। हाँ हाँ मेरे दोस्त एक एसीसी लिमिटेड और एक इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग। हाँ सर, इसमें मेरा पहला एसीसी का जो एंट्री लेवल है वो 1962 है और मेरा पहला टारगेट है 2100 और इसमें ड्यूरेशन है 1 मंथ का अराउंड और स्टॉप लॉस है 1900 और जो दूसरा है इंडियन बुल्स हाउसिंग उसका एंट्री है 172 और पहला टारगेट है 186 और स्टॉप लॉस है 165। और सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल देना, सो उधर अपने आप में आपको आईडिया आता रहेगा सबका। हाँ ठीक है। सर इसका भी ड्यूरेशन 1 मंथ है। सर अभी मैं चार्ट पे हूँ तो ये इंडिया बोल हाउसिंग है तो इसमें सर यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिप्लेस भी दिया। अब हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे हम अपना पहला टारगेट रखेंगे 186 से और सर एसीसी। सर एसीसी लिमिटेड में भी मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट दिया और वापस ऊपर जा रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट होगा 2120। ठीक है परफेक्ट। ठीक है नेक्स्ट पुनीत। पुनीत हाँ, पुनीत के बाद और कोई है? ऑल डन जैसा हाँ, आप शेयर कर लेना तुरंत। कहाँ है आपका डाटा? हाँ ठीक है जयस पर करो स्टॉप शेयरिंग। माइक हैंड ओवर कर दो फटाफट करो जयस। यस स्टॉप शेयरिंग। क्लियर एंटायर स्क्रीन करना है तभी करना है, आप तो देख लो सब चीज। ये दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट कैसे करना है, पहले प्रैक्टिस कर लो। हाँ ठीक। ये मेरे दो स्टॉक है आज के, स्टेक होल्डिंग और एक जेएस है। स्टेक होल्डिंग में मेरा जो एंट्री प्राइस देखिए वो 238 और टारगेट एक ही सेट किया है मैंने वो 318 और जेएस एल मैंने 437 और टारगेट है वो 400 के आसपास है। और इसका स्टेक होल्डिंग में जो है वो बुलिश फ्लैग बनता है, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डिसाइड किया है और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ एंट्री प्राइस देखी इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री नंबर का। और जैसे मैं जो वो हायर हाई बनाना चाह रहा है और तो इस ब्रेकआउट के बाद 436 वाले ब्रेकआउट के बाद इसमें एंट्री होगा और ये टारगेट रहेगा। चलो परफेक्ट वेरी गुड। ठीक है स्टॉप से आ रहे। ठीक है पुनीत स्क्रीन शेयर करो, जब सिलेक्ट करोगे क्लियर एंटायर स्क्रीन। स्टॉप शेयरिंग हाँ क्लिक करो एंटायर स्क्रीन। हेलो एवरीवन, मैंने दो से दो स्टॉक पिक किया है, एक बंधन बैंक और दूसरा बंधन बैंक है जिसकी मेरी एंट्री प्राइस रहेगी 236 और फर्स्ट टारगेट है मेरा 248, सेकंड टारगेट है मेरा 253। सेकंड स्टॉक से मेरा टोरेंट पावर जिसकी एंट्री प्राइस है मेरी 267, इसका फर्स्ट टारगेट है मेरा 676 और सेकंड टारगेट है मेरा 685 और इसके चार्ट। हाँ जो भी स्क्रीन सिलेक्ट करोगे वो दिखेगा आपका जहाँ पे है। ये बंधन बैंक का मेरा चार्ट है। हाँ ये 236 के मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 248 का, सेकंड टारगेट मेरा 254 का रहेगा। और ये टॉरेंट पावर का चार्ट है मेरा जिसमें अभी एक मेरी एंट्री रहेगी 267 और फर्स्ट टारगेट मेरा रेजिस्टेंस रहेगा 276 और सेकंड टारगेट मेरा
ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, मैं दे दूंगा जिसको जरूरत है, मैं दे दूंगा। फंडामेंटल की बात कर रहे हो, दिया ग्रुप में, दी लिंक दिया है, सबको दिया है। हाँ करो, मित करो। किसका नहीं है लिंक, किसका नहीं है? सर मैंने दो स्टॉक है, एक इंडिया बुल हाउसिंग और एक सीगा जीएस। बस सीगा जी इंडस्ट्री यानी थोड़ा सा जब ब्रेकआउट हुआ तो नीचे आया एंड वो वापस अभी ब्रेकआउट की साइड ही है, तो अपन जैसे ही ब्रेक होता है वैसे अपन सीगा जी इंडस्ट्री का एंट्री ले सकते हैं। और इंडिया बुल हाउसिंग है इंडिया वन हाउसिंग में भी ऑलमोस्ट एमएसडी भी सिग्नल लेने वाला है, सेलेक्ट खत्म हो गया एंड बाइंग का ऐसा ऑप्शन दिख रहा है एंड वो उसका थोड़ा टाइम पहले का जो हाई था वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसके बाद अपन एंट्री ले सकते हैं एंड एक स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक हो रहा है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है ना? चलो परफेक्ट, ठीक है। सो ऑनलाइन में और कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है? ठीक है, परफेक्ट। सो बेसिकली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सभी लोगों का आइडिया अभी हो रहा है क्लियर? सो जो पुराने जो सीनियर स्टूडेंट है आप प्रेजेंट करते रहे हो, और जो नया स्टूडेंट आपको खाली देखना है कि जैसे जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इसी के आधार पे पहले हमें ऐसा स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड करने का मतलब आपने 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, एटलीस्ट 10% इनकम हो ही रहा है बैठे बैठे, तो वो सिक्योर करना है पहले, ठीक है? फिर उसके बाद फिर इंट्राडे बहुत सारे ऑप्शन, वो लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप भी करोगे, बट एक विनिंग एटीट्यूड जो है चलते जाना चाहिए, ठीक है? सो कोई जल्दीबाजी नहीं, स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए, ठीक है? हाँ विवेक बोलो, कुछ बोल लो। यस सर, वो भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो एक महीने में मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट ओवरऑल, चलो स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दो, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर कर दो। यस सर, ठीक है, मानस अगर रेडी है तो मानस स्क्रीन शेयर करना, मानस ही मानस अगर रेडी है तो स्क्रीन शेयर करना। हाँ यस सर, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट इस मंथ का मतलब एक महीने में निकल रहा है 7.5% के आसपास निकल जाता है। एक मंथ में देखो, वन लास्ट 27 को हमने काम किया था, तो हम देखते हैं मेरा लॉस जो ट्रेड हुआ वो ज्यादा बड़ा लॉस ही मत लेना, सही होगा 6-5% इतना ही, ठीक है? तो ये लाइव ट्रेड है, सभी लोग का लाइव ट्रेड है, ठीक है ना? सो लाइव ट्रेड के अंदर आपका 7.64 और प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। मानस स्क्रीन शेयर करो। मानस ने इंट्राडे में भी अच्छा काम किया है, स्विंग में भी काम किया है, ठीक है? मानस ऑडियो आ रहा है? यस सर, लेकिन अभी मेरे पास पोजीशंस नहीं है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी विल वाइंड अप हियर, आपका जो भी डाटा ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।